अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और आपको पता ही है मैं शार्ट भेज के थक गया था, इसीलिए पता नहीं 200 के करीब जो है वो मेरी शार्ट्स हैं, मैं वो बना के थक गया था। अब मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। हेलो, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं, हम पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो मिलेगा उससे पूछेंगे कि आपको दुरूद पाक पढ़ना आता है, तो देखते हैं आगे कौन मिलता है। तो ये हम ये रास्ता है जो जा रहा है, और यहाँ पर देखो ये अभी सूरज भी ढलने को आ रहा है, तो हम जाएंगे आगे पूछेंगे कि दुरूद पाक पढ़ना किसको आता है। तो चलें हम शुरू करते हैं। तो हम जा रहे हैं उसके पास, उसको पूछेंगे कि आपको दुरूद पाक पढ़ना आता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा हिंदी हूँ मैं, इसलिए मुझे उर्दू थोड़ी कम आती है। तो ये अभी मुड़ा है, हम इससे पूछेंगे, हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको दुरूद पाक पढ़ना आता है? तो आता है तो एक बार प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुरूद पाक पढ़ना आता है। तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। तो दोस्तों आप खुद भी पढ़िएगा, दूसरों को भी बोलेगा, और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज। तो मैं चलता हूँ, शुक्रिया। हेलो, ये तो आपने देखा कि वाजिद अली था जिसने हमको दुरूद पाक पढ़ के बताया। तो हम आगे जा रहे हैं, एक फ्रेंड है उससे मिलाता हूँ। ये देखो, ये मेरा एक छोटा सा नन्ना प्यारा था एक फ्रेंड है, और आगे चलूँगा वो मेरा दूसरा दोस्त खड़ा है, मैं उसको मिलने जा रहा हूँ, तो वो भी हमारे साथ चलेगा और इस ब्लॉग में साथ देगा। तो मैं उसको मिलाने जा रहा हूँ, वो मुझे मिल गया है, आप उससे मिलिए। ये देखो, ये मेरा फ्रेंड है। अस्सलाम वालेकुम। इस और हम आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या मंजर है और क्या क्या नहीं। तो देखो ये शाम का, पता नहीं ये, तो ये देख सकते हैं ये कितना, ये जो शाम का मंजर है वो कितना खूबसूरत है, और हम आगे चल के आपको बताते रहेंगे। तो ये हम आ गए जहाँ पर हमको शूटिंग करनी थी, जो ये हमारा व्लॉग बना था वो मेन जगह यहाँ है जिस पे हम बनाएंगे, और ये मंजर है बहुत ही खूबसूरत। तो अभी सूरज भी ढलने के, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमको उर्दू कम आती है, इसलिए हम अपना व्लॉग ट्रांसलेट करें सिंधी में, तो हम आपसे सिंधी में व्लॉग बनाएंगे। तवा ये जी तो ऐसी रहा हो, तो ये मिर्चा कायल असो ये नंढड़ी पर अ गुल झलन पी एडा वरी टमाटर कायल जी हल भाई टमाटर थी जाए तई ये टे चौथो ये टमाटो अ गाढ़ा थी वा थी वो मजो दी वो खाण में हिंसर अस वही रहा हूँ स्कूल ये असो स्कूल आ जिते अस तकरीबन 6 साल पैर इतने असा प्राइमरी कई पो वरी असा शहर में हलिया वयासे उते असा पो मैट्रिक पास करे चुका हूं बाकी अना असा जो चा फर्स्ट ईयर इंटरल इंशाल्लाह अगते भी स्टडी जारी रखंदा दे ए स्कूल असा तवा के देखंदा दे ए स्कूल आ इन में हे अंब जा वण अंब तो ए तवा के असा देखंदा दे अंबन जा वण अंब स्कूल में गुल खुशबू
एक गुल इन्हन के खबर ना है छा चवंदा असा के ना घर पर एक गुल माशाल्लाह थोड़ी घणी खुशबू आता है गुल ये स्कूल आई हाने असा पांजे अगते विंदा दे आखरी पॉइंट दे ये दिसी रहे पक्षी असान के सिंधी में गेरो चंदा ये केडो भलो केड़े अंदाज सा माशाल्लाह बैठा ए हाने असा यूनिवर्सिटी दा विंदा दे हाँ अस पुजी इतने जो लीमन वन माशाल्लाह हिं लीमा भी तैयार बीठा तेखारे ये लीमा अन माशाल्लाह जलन शुरू किया शबीर बुधाई गो मुझे दोस्त जबरदस्त गुल बहुत अच्छा ये भी पक्की माशाल्लाह एक पर अलग चोलक बिठान हाँ असागे ये असागे मिलो आज को इन लीमा असागे इन देखा रहा ना हाँ असा आजान टाइम थी नमाज पढ़ना नमाज पढ़ना रे तो हाँ असा वेंदा नमाज पढ़ना हाँ असा नमाज थैंक यू सुबह ठीक है अल्लाह हाफिज़।